दिल्ली के जो मशहूर राम लड्डू हैं, हम अलीगढ़ में इसको हमने देखा, तो हम इसकी वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आए। और भैया जी का कहना है कि क्या कहना है भैया आपका? कुछ दिन का ही समय है, यहाँ का भी मशहूर हो जाएगा। अच्छा, कुछ दिन का समय है, उसके बाद ये अलीगढ़ के भी मशहूर हो जाएंगे राम लड्डू। दिल्ली वाले राम लड्डू का नाम सुन के किसके मुंह में पानी नहीं आता। आज हम आपको दिल्ली वाले राम लड्डू जो हैं वो अलीगढ़ में दिखाने लेके आए हैं, पंडित जी के राम लड्डू। इसका एड्रेस मैं आपको समझा देता हूँ। इसका एड्रेस जो है, ये जो है रामघाट रोड है, और रामघाट रोड पे ये जो है मीनाक्षी पुल के लिए जाता है रास्ता, और ये जाता है रास्ता किशनपुर तिराहे के लिए। तो अगर आप किशनपुर तिराहे से मीनाक्षी पुल के लिए जाएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड पे आपको दिखाई देगा ये राम लड्डू का छोटा सा कार्ट लगा हुआ। और यहाँ पे ये जो भैया जी हैं, इनसे बात करते हैं। भैया जी, नाम क्या है आपका? जी पंडित जी कहते हैं। अच्छा पंडित जी, तो टाइमिंग क्या है आपकी? यही टाइम है, बस पहले ही घंटे निकला है। मतलब 5 बजे से लेके कितने बजे तक रहती है? 10 बजे तक। अच्छा, 5 बजे से लेके 10 बजे तक। भैया, इसमें जो है मूंग की दाल है, और क्या क्या चीजें हैं इसमें? मूंग की दाल होती है और नमक, वो चने की दाल होती है। अच्छा, मूंग की दाल, चने की दाल। यहाँ राम लड्डू जो है वो तैयार हो गए हैं। इनको भैया जो है वो पहले फ्राई करते हैं, और फ्राई करने के बाद जो है जब ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं तो फिर इनको मूली के साथ और फिर चटनी के साथ सर्व किया जाता है। क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं चटनी में? हरा धनिया, हरे मिर्च, हरी धनिया, दही, खटाई, नींबू, गरम मसाले। अच्छा, इन सारी चीजों से चटनी बनी हुई है। थोड़ा सा चला के दिखा देते हैं चटनी को। अच्छा, ये देखिए गाइस कितनी गाढ़ी चटनी है ये, और यही जो है राम लड्डू की असल जान है। चटनी और मूली, चटनी और मूली जो है वो राम लड्डू की जान है। क्या कीमत है इसकी? 20 रुपए का एक पत्ता, 5 पीस है। अच्छा, एक पत्ते की कीमत है 20 रुपए, उसमें 5 पीस है। तो ये इनका सारा सेटअप है जिसमें मूंग की दाल और चने की दाल से ये जो है पकौड़ी बनाते हैं, और उन पकौड़ियों को निकालने के बाद उसके ऊपर ये मूली, और ये मूली के पत्ते हैं हरे हरे। अच्छा, मूली है और मूली के हरे हरे पत्ते हैं, और इसको उसके ऊपर से सर्व किया जाता है, और भैया की जो है वो फेमस चटनी इसके ऊपर डाली जाती है, और फिर तैयार होते हैं ये राम लड्डू। तो भैया से बनवाते हैं अपने लिए भी एक राम लड्डू। भैया बना दिए जरा हमारे लिए भी एक। तो ये लग गए हमारे राम लड्डू। ये इसके जो वो हैं बड़े हैं वो ये हैं, इसके ऊपर मूली है, ये चाट मसाला है, चटनी है। ट्राई करते हैं इसको और बताते हैं आपको उसका टेस्ट कैसा है। जो इसकी पकौड़ी है बहुत ही क्रिस्पी है, चटनी बहुत ज्यादा टेस्टी है, और इस पे जो मूली है ये थी एक प्यारी सी वीडियो राम लड्डू की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।